हेलो जी एंड मोस्ट वेलकम टू आर चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स बीआईसी ऑफ कॉमर्स। आम सीए आदित्य चौधरी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये अपनी पिछली वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम, हमारे लिए ओल्ड बेहतर है या नया बेहतर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी जाकर देख ले, उस वीडियो से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या अगर आपने ओल्ड ले लिया तो क्या आप न्यू पे जा सकते हैं, क्या आपने न्यू अगर ऑप्ट कर लिया क्या आप ओल्ड पे स्विच कर सकते। लगभग 70 डिडक्शंस है जिसको नए टैक्स रेजिम में कट आउट कर दिया गया है, बट मैंने वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी लगभग इंपॉर्टेंट डिडक्शन आप वहां पे सेलेक्ट करते थे अपने आईटीआर फाइल करते टाइम पे वहां मैंने डिस्कस किया है, जिसमें मोस्ट ऑफ द डिडक्शन में आता है एटीसी एटीडी एटीसीसीडी एचआरए एलटीए। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां पे आप क्लिक करके और सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड वीडियो की रेलिवेंसी कहीं ना कहीं उससे ही जुड़ी हुई है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज के लिए था। यहां पे जो हम टैक्स स्लैब डिस्कस करने वाले हैं इक्वल टू और अबव, या तो आपका एज 60 है या तो आपका एज 60 से ऊपर है और लेस देन एज। ये स्लैब क्या कहता है, अगर आपकी इनकम ईयरली इनकम पर एनम की 3 लाख रुपए तक है देन नील, अगर 3 लाख से 5 लाख तक के बीच इनकम है तो 3 लाख तक तो नील रहेगा ही रहेगा, प्लस इन बिटवीन दिस इनकम 3 लाख से 5 लाख आपको जो टैक्स रेट आपके लिए एप्लीकेबल है वो 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से भी ऊपर चली गई तो यहां तक तो वही स्लैब फॉलो होगा, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो इनकम है वो उस पर 5%। इसके बाद इन बिटवीन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है अप टू 10 लाख, तो इन बिटवीन 5 लाख से 10 लाख आपको जो टैक्स लगेगा वो है 20%। प्लस अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ऊपर चली जाती है देन आपके लिए जो टैक्सेस हैं वो क्या है 30%। इन टैक्सेस के अलावा आपके ऊपर एप्लीकेबल क्या है, सेस टैक्स का 4% प्लस आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है सरचार्ज। सरचार्ज कितना परसेंटेज है ये भी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको एक बार देख लें आपको सरचार्ज समझ आ जाएगा। तो टैक्स लैब है फॉर रेसिडेंट ऑन और अबव 60 लेस देन 80। नेक्स्ट आता है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन इन द सेंस अगर किसी पर्सन की एज 80 इयर्स या तो 80 इयर्स से भी ज्यादा है तो 5 लाख तक की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस अगर 5 लाख से ऊपर चला गया तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम है उसके ऊपर 20% लगेगा, प्लस अगर 10 लाख से भी ऊपर चला गया तो जितना भी इनकम 10 लाख से ऊपर जाएगा उसके ऊपर लगेगा 30%। अच्छा, ये स्लैब को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि 80 इयर्स और मोर, एक पर्सन की एज है 81 इयर्स और उसकी जो इनकम है ईयरली इनकम वो उसकी इनकम जा रही है 8,50,000। चलो 8,50,000 नहीं 12,50,000। अब कैसे कंप्यूट करोगे, तो आप कंप्यूट कैसे करोगे, देखो 5 लाख रुपए तक तो क्या हो गया, 5 लाख रुपए तक क्या हो गया नील, प्लस बताओ 5 लाख से प्लस है इसका इनकम, इस गैप में है 5 लाख से 10 लाख मतलब बीच में जो 5 लाख है इस 5 लाख पे 20%, तो एक और 5 लाख का स्लैब बन गया इस पे 20%, तो 5 लाख का 20% कितना होगा 1 लाख, प्लस अभी भी देखो 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख से भी ऊपर इनकम है, कितना ऊपर है 10 लाख से 2,50,000 रुपए, इसके ऊपर लगेगा 30%, तो 2,50,000 का 30% 75,000। अब जो इस पर्सन को टैक्स देना होगा वो अंकल जी को टैक्स देना है 1 लाख प्लस 75,000 1,75,000, इसके अलावा सेस पे करना है और सरचार्ज इनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि सरचार्ज उसी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसकी ईयरली इनकम 50 लाख से ऊपर। नेक्स्ट आता है, अभी तक जो हमने बात किया था यहां पे वो ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में 3 तरीके के स्लैब बनाए गए, अगर किसी की एज 60 से नीचे है, अगर किसी की एज 60 या 60 से ऊपर है और अगर किसी की एज 80 इयर्स या तो 80 इयर्स से अबव है। नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वो तो हो गया ओल्ड टैक्स रेजिम जिसमें पिछले वाले बजट में कोई बदलाव
नहीं किया गया था। बट अगर हम लोग बात करें नए टैक्स रिजाइम का जो लॉन्च किया गया बजट 2020 में, ये नया टैक्स रिजाइम जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहे तो ओल्ड को फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो आप नए टैक्स रिजाइम को फॉलो कर सकते हैं। आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस में जाना है, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर के थ्रू मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो का ये दूसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, आपने कैसे डिसीजन लेना है। पहले और दूसरे वीडियो में आपने ओल्ड और नए टैक्स रिजाइम को समझना है। तो ये ऑप्शनल है आपके लिए नया टैक्स रिजाइम पूरी तरीके से, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल है, या तो सीनियर सिटीजन है, ये नए टैक्स रिजाइम के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, तीनों के लिए ही सेम है। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर गई अप टू 5 लाख, तो इन बिटवीन 2.5 लाख से 5 लाख जो इनकम है इसके ऊपर लगेगा 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर गई 7.5 लाख रुपए तक, तो आपके ऊपर इन बिटवीन जो इसका इनकम है वो लगेगा 10%। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से ऊपर गई अप टू 10 लाख, तो इसके बीच में जो इनकम है उसके ऊपर लगेगा 15%। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर गई अप टू 12.5 लाख, तो इसके बीच में जो इनकम है उसके ऊपर लगेगा 20%। और अगर आपकी इनकम 12.5 लाख से ऊपर गई अप टू 15 लाख, तो लगेगा 25%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से भी ऊपर गई तो लगेगा 30%। अच्छा, ये स्लैब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये एक एग्जांपल से आप समझो। लेट से किसी पर्सन की ईयरली इनकम जो है वो है 32 लाख। अगर है तो बताओ 2.5 लाख रुपए तक तो क्या हो गया, नील, प्लस बीच में एक और 2.5 लाख, 5 लाख इसकी इनकम, तो 5 लाख से भी ऊपर है, तो इसके बीच में जो 2.5 लाख है इसका 5% कितना आएगा, 12,500। इसका इनकम 5 लाख से भी ऊपर है फिर भी 7.5 लाख रख, मतलब इस बीच में जो 2.5 लाख है इसके ऊपर लगेगा 10%, 25,000 रुपया आ गया। इसकी इनकम तो 7.5 लाख रुपए से भी ऊपर है अप टू 10 लाख, बीच में जो 2.5 लाख है इसके ऊपर लगेगा 15%, 37,500। मेरी कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, मैं बिना कैलकुलेटर यहां पे कर रहा हूं, तो आपने कैलकुलेट कर लेना, कॉन्सेप्ट समझो। अगर 10 लाख से भी देखो इसकी इनकम तो 10 लाख से भी ऊपर है अप टू 12.5 लाख, ठीक है, इससे भी ऊपर है, 2.5 लाख का 20%, 50,000 रुपए। 12.5 लाख रुपए से अप टू 15 लाख कितना है, 2.5 लाख पे 25%, 62,500। और इनकम 15 लाख से भी अगर ऊपर है, देखो इसका इनकम क्या है 15 लाख रुपए से भी ऊपर है, कितना ऊपर है, लेट से मैं यहां पे काम करता हूं, इसको 32 लाख ना लिखकर 16 लाख लिखता हूं, 16 लाख, 15 लाख से कितना ऊपर है 1 लाख, 1 लाख का 30%, 30,000। सबको आप सम अप कर दो कितना आ रहा है, इट विल कम टू 2,17,500। इसके अलावा इस 2,17,500 का 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना पड़ेगा। सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इसका इनकम 16 लाख है, सरचार्ज उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसका इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर आप टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो देख लो आपका क्या हालत होने वाला है। 16 लाख की इनकम पे 2,17,500, 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपका टैक्स में चला जाए। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग एक सेक्शन, रिवेट अंडर सेक्शन 87A। जब ये रिवेट आया था तब से लोगों के जहन में एक चीज बैठी हुई है कि जी 5 लाख तक की तो इनकम एग्जम्प्ट है। लोग पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट से आपका इनकम अगर 6 लाख रुपए है तो टैक्स पेयर क्या सोच रहे कि 5 लाख तक तो माफ है जी, बचे हुए 1 लाख के ऊपर हम टैक्स दे देते हैं। ये नहीं है। सबसे फर्स्ट हम लोग रिवेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है देन आपको एक रिवेट अवेलेबल है 87A का। 87A जो है वो ओल्ड रिजाइम में भी है, 87A का जो रिवेट है ये आपके लिए ओल्ड रिजाइम में भी था और इसीलिए न्यू रिजाइम में, और यही कारण है कि यहां पे इसको डिस्कशन करना उतना जरूरी हो गया है। चाहे आप कितना भी डिसीजन ऑप्ट कर लें ओल्ड वर्सेस न्यू, फिर भी आपने रिवेट अंडर 87A का कॉन्सेप्ट सेम समझना है। अगर आप NRI हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, ऊपर ही मैंने बोला ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। NRI और HUF के लिए ये बेनिफिट नहीं है। अगर ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा, अगर आपका टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, मीन्स या तो टैक्सेबल इनकम आपका, अच्छा टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है,
टैक्सेबल इनकम का मतलब टोटल इनकम आपका जितना भी है माइनस कर दो इसमें से जितने भी डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। तो जो आपका टोटल इनकम में से डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद आता है उसे बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। अगर वो इनकम आपका 5 लाख या 5 लाख से कम है तभी आपको ये रिबेट मिलेगा। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रिबेट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे मैंने 3 टैक्सपेयर का एक एग्जाम्पल लिया है। ये 3 टैक्सपेयर के एग्जाम्पल को आप समझो आपको रिबेट समझ आ जाएगा कि आपको क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स से एक टैक्सपेयर ए है, टैक्सपेयर ए, एक टैक्सपेयर बी है और एक टैक्सपेयर सी है। ये एग्जाम्पल हम लोग ओल्ड रेजाइम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। अगर आपकी ग्रोस इनकम 5 लाख है और लेट से आपने LIC, PPF ये सब में इन्वेस्ट करके, क्योंकि आपको ओल्ड रेजाइम में ये सारे बेनिफिट मिलते थे, तो आपका डिडक्शन कितना हो गया 50,000 रुपए। तो ओल्ड रेजाइम में आपका टैक्सेबल इनकम आ गया टोटल इनकम माइनस डिडक्शन 4,50,000 रुपए। 4,50,000 रुपए के ऊपर अगर आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो लेट से आपकी एज में मानकर चल रहा हूं लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज है। तो लेस देन 60 ईयर्स में आपने क्या अभी बताया था मैंने 2.5 लाख तक माफ है, बचा हुआ 2 लाख रुपए पे लगेगा कितना परसेंट, बचा हुआ 2 लाख पे लगेगा आपको 5%। तो कितना हो गया 10,000, 2 लाख का 5%, 10,000। 87 ये कहता था अगर आपका इनकम, अगर आपका टैक्सेबल इनकम, नॉट दिस वन, ये नहीं देखना है आपको, क्या देखना है टैक्सेबल इनकम, अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको रिबेट मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स का रिबेट मिलेगा। तो 10,000 में से 10,000 माफ हो गया और आपकी टैक्स की आ गई नील। यही अगर मैं ये बात करूं 5,50,000 का, 50,000 का रिडक्शन है, अब आपका ये कितना आया टैक्सेबल इनकम 5 लाख, ये मैटर करता है, ये 5 लाख तक ही है, 5 लाख के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आप कंप्यूट करो, 2.5 लाख रुपए तक माफ था, बचे हुए 2.5 लाख का 5% 12,500, 87A का रिबेट मिल जाएगा क्योंकि इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक ही है। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो तो आपको पूरा रिबेट मिल जाता है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तो 12,500 में 12,500 माइनस करो, आपका टैक्स कितना आ गया नील। अब अगर आपका इनकम हो 7 लाख रुपए, 7 लाख में से 50,000 माइनस, 6,50,000 रुपए, 6,50 के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आप कंप्यूट करो, 2.5 लाख तक नील, बचे हुए 2.5 लाख पे लगेगा 5%, और 5 लाख से भी जो ऊपर 1.5 लाख गया है इसके ऊपर लगेगा 20%, है ना। तो आप जब इसको कंप्यूट करोगे तो आएगा 42,500, लेकिन रिबेट इसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका टैक्सेबल इनकम इसका 5 लाख रुपए से ऊपर है। रिबेट तभी मिलता है जब आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो। यहां पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर अगर ये 6,50,000 है तो 5 लाख तक के ऊपर तो रिबेट दे दो। नहीं जी, रिबेट छोटे टैक्सपेयर को दिया गया है, रिबेट उसी को दिया गया जिसका इनकम 5 लाख तक ही है, 5 लाख से ऊपर अगर गया तो आपको रिबेट पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा, रिबेट नहीं मिलना। तो इस वीडियो में हमने रिबेट के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। हमने ओल्ड रेजाइम को समझ लिया, नया रेजाइम को समझ लिया, ठीक है, अब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को पार्ट थर्ड में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपकी कंसल्टेंसी में, आपके बिजनेस में, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर रही हो देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, वीडियोस को जितना हो सके लाइक करें, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में, बिजनेस कम्युनिटी में शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई सोच के साथ।